हाय एवरीवन, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसको ब्रेक करते हैं, और उनसे जो हम न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड होते हैं वो सब कैसे सबकी प्रोसेसिंग होती है। तो किस कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इस पूरे डाइजेशन में फूड के हेल्प करते हैं, उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। ओके, सो जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो होता है हमारा माउथ। ओके, सो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, और ये जो टीथ होते हैं वो फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। ओके, माउथ में ही कुछ हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सो जो ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये कुछ एंजाइम्स रखता है, जैसे कि उन एंजाइम में एक एंजाइम आता है अमाइलेज। ओके, सो ये अमाइलेज रखता है, और ये जो अमाइलेज होता है हमारा, ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे फूड में, उनको ब्रेक कर देता है। ओके, जो अभी जो हमारा फूड हो गया बेसिकली, तो जो माउथ में फूड होता है वो कुछ सॉल्यूशंस के साथ, मतलब कि जैसे एंजाइम्स वगैरह हो गए, तो उस टाइप से वो एक फूड जो होता है हमारा बन जाता है, और उसको हम बोलते हैं बोलस। ओके, सो ये बोलस जो होता है फूड विद कुछ सॉल्यूशंस और एंजाइम्स के साथ में, ये अब आगे डाइजेशन के लिए और ऑर्गन्स में पास ऑन होता है। ओके, सो इसके बाद हमारा जो होता है ये आता है फेरिंग्स। ओके, सो जो फेरिंग्स होता है वो एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, क्योंकि हम ब्रीथ भी करते हैं, तो एयर जाती है माउथ के थ्रू हमारे, और फूड भी माउथ के थ्रू जाता है, तो ये बेसिकली फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज की तरह से वर्क करता है। ओके, इसके बाद जो होता है माउथ से बेसिकली एक ट्यूब जाती है, एक मस्कुलर ट्यूब जाती है, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ओके, ईसोफेगस। ये जो ट्यूब होती है बेसिकली, ये कनेक्ट करती है माउथ को स्टोमक से। ओके, ईसोफेगस जो होती है उसमें बेसिकली जो फूड होता है, क्योंकि ये लॉन्ग ट्यूब होती है, तो वो एक तरीके के इस तरह से मूवमेंट करता है फूड का, एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूवमेंट करता है, जिससे कि फूड जो है स्टोमक तक चला जाए माउथ से। ठीक है, उस पर्टिकुलर रिदमिक मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। ओके, इस मूवमेंट को पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं, जो कि स्मूथली क्या करता है फूड को पास कर देता है माउथ से फेरिंग से स्टोमक तक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन आता है स्टोमक। ओके, अभी जो स्टोमक होता है वो बेसिकली एक तरह से स्टोरेज की तरह से वर्क करता है। ओके, इसमें हमारा फूड जो होता है स्टोर जब होता है, तो कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं स्टोमक से। ओके, उसमें मेन जो होता है हमारे जूस सिक्रीट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेसिकली ये एक एंजाइम रखता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखता है, और ये क्या करता है, ये एक्ट करता है फूड पे और प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। ओके, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड में अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, ऐसे ही स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट होता है, और वो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। ओके, तो अभी जो ये बोलस जो हमारा बना था माउथ में, ये पास ऑन हुआ कैसे, इसोफेगस और उसके बाद स्टोमक में। अब ये जो स्टोमक होता है, ये उसके जो ये जो बोलस होती है इसको थोड़ा कम कर देता है, ये इसको थोड़ा सेमी लिक्विड फॉर्म में बना देता है। ओके, और उसको हम बोलते हैं काइम। ओके, अभी जो हमारा फूड है वो कम हो जाता है, थोड़ा सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, काइम बन जाता है वो। ओके, अभी इसके ये सब करने में स्टोमक के साथ और भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे कि उसमें पेनक्रियास और लिवर आता है। ओके, ये है पेनक्रियास। ओके, पेनक्रियास जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ओके,
और जो कि रिलीज करता है, और फिर क्या करता है, वो रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि ये कुछ एंजाइम्स बनाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो पेनक्रियास के साथ साथ हमारा आता है फिर नेक्स्ट इज लिवर। ओके, लिवर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर जो होता है, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी का वो लिवर होता है। ओके, लिवर क्या करता है, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल। ओके, और बाइल जो होता है फूड के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, लिवर के साथ साथ हमारा एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है लिवर में, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ओके, ये जो गॉल ब्लैडर होता है, ये बेसिकली क्या करता है कि जो बाइल होता है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, लिवर तो बाइल प्रोड्यूस करता है, बट गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल को स्टोर करके रखता है और उसे कंसंट्रेटेड रखता है। ओके ओके, इसके बाद हमारा आता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप एक कॉइल्ड फॉर्म देख रहे होंगे, कॉइलिंग हो रखी है, ये आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेसिकली, उसमें क्या होगा कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है मेन वहां पर होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर वॉल होती है, मतलब कि ये जैसे ये इनर वॉल है, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, इस तरह से कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं विलाय। ओके, ये जो विलाय होती है ये क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ओके, जो इनका जो सरफेस एरिया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इंक्रीज करती है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, जो फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब कि न्यूट्रिएंट जो हो फूड में, जो न्यूट्रिएंट है अब हमारे प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्प्शन हो, उनके लिए सरफेस एरिया जो होती है उसको इंक्रीज करती है। जो हमारा ये स्टमक हो गया, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, पेनक्रियाज हो गया, इन सब की हेल्प से अब जो हमारा ये फूड होता है, इसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो अब बेसिकली जो फूड बचता है वो अनडाइजेस्टेड बचता है, मतलब कि जो फूड डाइजेस्ट हो सकता था वो तो अब डाइजेस्ट हो गया, उसमें से सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, तो अब जो कुछ फूड बचता है वो अनडाइजेस्टेड बचता है। ओके, ये सब जो है अब स्टार्ट होता है, ये सब वर्क हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करती है कि अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसमें से जितना भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होगा हमारा, उसको क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी। ओके, जब वाटर निकल गया तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है अब वो सॉलिड फॉर्म में बचा है, वाटर तो सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ओके, ये जो सॉलिड वेस्ट है बेसिकली, ये सॉलिड वेस्ट जो है उसको हम बोलते हैं फेसेस। ओके, अब ये जो होता है ये रिमूव होता है बॉडी से, कहाँ से कैसे, क्योंकि ये अब आता है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, रेक्टम, इसको हम बोलते हैं रेक्टम। ओके, रेक्टम, तो ये जो सॉलिड वेस्ट जो है अब ये लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में पास होगा, एंड देन उसके बाद पास होगा ये एनस में। ओके, और यहाँ से क्या होगा, और सॉलिड वेस्ट हमारा ये रिलीज हो जाता है इससे, एनस से। ओके, यहाँ पे आप एक और ऑर्गन देख सकते हैं, ये इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ओके, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो जब ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है, ओके, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका वर्क ज्यादा नहीं होता है, या उनका वर्क जो होता है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, या वो मॉडिफाई हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो ऑर्गन्स या तो खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से, या फिर वो थोड़ा इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब कि वो बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनका कुछ खास ज्यादा फंक्शन
नहीं होता है, ज्यादा खास रोल नहीं होता है, ऐसे कुछ ऑर्गन्स होता है। तो ये जो है अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ओके, सो ये यहाँ पे बिल्कुल जंक्शन पे प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। ओके, सो बेसिकली इसका जो फंक्शन है वो ज्यादा कुछ मतलब डिसाइडेड नहीं है, ऐसा नहीं कि मेन करके बताया जा सकता है कि क्या इसका फंक्शन है। बट यस, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है उसको ये इम्प्रूव करता है, उसमें इसका फंक्शन बताया गया है। ओके, और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये भी बोला है कि ये डाइजेशन को बूस्ट करता है, डाइजेशन में ही और फर्दर हेल्प करता है। ओके, सो बट इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है। ओके, सो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया उसके बेस पे एक क्विज है। ये आपकी खुद की नॉलेज चेक करने के लिए है। इसमें हमने कुछ पाथवे बताए हैं, चार ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि फूड जो होता है वो माउथ के बाद में कैसे कैसे किस तरह से बॉडी में पास ऑन होता है, किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन्स के पास जाता है और कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। तो आप जितना भी इस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया उसके बेस पे आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि इनमें से चारों में से फोर ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।